कुंडली हमारे लिए एक चाबी जैसे होती है, जो कि हमारे लिए रास्ता दिखाती है आगे बढ़ने का और वो सारी चीजें अचीव करने का जिसका हम सपना देखते हैं। इस कुंडली से हमारा आने वाला कल और बीता हुआ कल दोनों ही उजागर होते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर अगर कभी आपके चार्ट्स को देखें और पढ़ें तो आपके बारे में वो ऐसी ऐसी चीजें बता सकते हैं जो आपको भी सरप्राइज कर देंगे। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स एक तरीका होते हैं आपके अंदर के बेस्ट ट्रेट्स जानने का और साथ ही किसी भी तरीके के बुरे समय, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, उससे बचाव करने का। अच्छा, जब आप कुंडली देखते होंगे तब आपको दिखते होंगे कुछ बॉक्सेस और उनमें लिखी कुछ कुछ डिकोड करने वाली चीजें। अब देखिए, यूं तो ज्योतिष के एक्सपर्ट्स वो जो कई सालों की डिग्री करते हैं वो तो चुटकियों में ऐसे पढ़ के बता सकते हैं आपको, लेकिन हमारी इन वीडियोस से आपको ना हम एक आइडिया जरूर करवा सकते हैं कि इन बॉक्सेस का आपके चार्ट्स में क्या मतलब होता है। तो अगर आपका भी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है अगर, या फिर आप सिर्फ क्यूरियस हैं इसके बारे में, तो हमारी ये वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और धर्मा लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, आज हम आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेस के बारे में। आज जिस एस्ट्रोलॉजिकल हाउस की हम बात करने वाले हैं वो है हाउस नंबर 5। नंबर 5 जो है उसके बारे में हम करने वाले हैं बात। इसे पांचवा घर या फिर पांचवा भाव भी कहते हैं। अब देखिए, इतनी सारी चीजों की बात कर ली हमने, घर, गृहस्थी, विमेन मैन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो चौथा घर होता है, फोर्थ हाउस होता है, चौथा भाव, ये मदर को रिप्रेजेंट करता है। जी, आपके माँ के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, आपकी माता कैसी है, ये सारी चीजें यहाँ से पता चलती हैं। साथ ही साथ आपके अंदर की जो फेमिनिनिटी होती है वो भी आपको यहीं से पता चलती है। एंड नो, बाय दैट आई डोंट मीन कि अगर औरत है तो उन्हीं के पास चौथा घर होगा, नहीं। बाय दैट आई मीन कि आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, फेमिनिनिटी का मतलब क्रिएटिविटी भी होता है, फेमिनिनिटी कितनी है, ये आपको इस घर से, फोर्थ हाउस से पता चलता है। अब जिस घर की हम बात करते हैं ना, इसमें बसता है रोमांस। जी, आपका जो पांचवा घर होता है, फिफ्थ हाउस होता है, इससे रोमांस पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है बाय द वे कि एक इंसान कितना ज्यादा प्लेफुल है और कितना प्ले बॉय या प्ले गर्ल है, वो भी यहीं से पता चलता है। अलोंग विद दैट, कितने लव अफेयर्स रहेंगे। यू नो, कई लोग होते हैं जिनके रिश्ते रहते हैं शादी से पहले या फिर शादी के बाद भी, वो सारा कुछ आपको यहाँ से काफी हद तक पता चल सकता है। अलोंग विद दैट, क्रिएटिविटी कितनी है एक इंसान की, वो भी आपको यहीं से पता चलती है। अलोंग विद दिस, जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आती है वो है फर्टिलिटी। जी, बच्चे होने का योग कब और कैसे हो सकता है, ये आपको इस हाउस से पता चलेगा। साथ ही साथ वो कई लोग होते हैं ना जो हर चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, दे लुक एट थिंग्स विद अ चाइल्ड लाइक स्पिरिट। उनमें हमेशा से एक अंदर से एक उत्तेजना रहती है या फिर अंदर से वो हमेशा से एक्साइटेड रहते हैं इस चीज को जानने के लिए कि कैसे कोई नई चीज जल्दी से सीख लें। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर का बचपना जो है वो कभी नहीं जाता, वो हमेशा से रिफ्रेशिंग से होते हैं, ऑलवेज जॉयफुल। ऐसे लोगों का जो फिफ्थ हाउस होता है ना, वो काफी अच्छे प्लैनेट्स से बना हुआ होता है। अच्छा, अलोंग विद दैट, आपके अंदर जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, अपने अंदर की चीजों को कितने अच्छे से आप लोगों को बता पाते हैं, कितने प्यार से बता पाते हैं, ये आपको फिफ्थ जो हाउस है वही बताता है। अलोंग विद दिस, एक और चीज ये करता है। अब इतनी सारी चीजें अगर मैंने आपको बता दी, सोचो वो घर जहां पर लव अफेयर भी है, क्रिएटिविटी है, चाइल्ड लाइक स्पिरिट भी है, जॉय भी है, एक्सप्रेशन भी है आपके अपना, यहाँ पर एक और चीज आती है, एग्जैक्टली, ड्रामा। आप अपनी लाइफ में कितना ड्रामा पसंद करते हैं या फिर लाइफ आपके साथ कितना ड्रामा करना चाहती है, ये सब कुछ आपको इस फिफ्थ हाउस से ही पता चलता है। सो फिफ्थ हाउस जो है, इसके अंदर बैठे जो प्लैनेट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो है वो आ सकता है और क्या क्या होगा। लेकिन अभी तो सिर्फ पांच हाउसेज हैं, सात और बाकी हैं, और बाकी के हाउसेज क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में, ये जानने के लिए ये सीरीज देखते रहिए। धर्मा लाइव तो आपके लिए यहाँ पर ऐसी चीजें लेकर आता ही है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने आपको जानकारी जो दी है वो पूरी नहीं है, बट वो उतनी है जितनी आपको जरूरत है और आपकी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकती है, ताकि कल को अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को लेकर किसी के पास जाएं, किसी ज्योतिष के पास जाएं, तो वो आपको उसके बारे में जो भी बताए ना, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ भी आ जाए, और ऐसे में आप इस थोड़ी जानकारी जो है इसको यूज करके आगे बढ़ सके और अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो होती हैं, उनको भी जान सके। हमारी इस वीडियो का यही मकसद है। बाकी इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है, अलग अलग चीजें जो है, वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे हमारे इस चैनल धर्मा लाइव पर। तो हमारी इस सीरीज और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए धर्मा लाइव।